बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सऊदी अरब से लाइव दुनिया के साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट है कि सऊदी अरबिया का एक मशहूर मरूफ शहर है जी अलवज। तबूक की तरफ जाए ना मदीना से भाई, मदीना से अमलज, अमलज से सॉरी मदीना से निकलेंगे आपको आगे मिलेगा जम्बो, जम्बो से अमलज, अमलज के आगे अलवज, दूबा फिर तबूक आ जाता है जी। अलवज शहर और अमलज शहर दोनों समुंदर के बिल्कुल किनारे के ऊपर हैं। तो मैं अलवज शहर में काम भी कर चुका हूं, वहां पर 3 से 4 माह स्टे किया हुआ है आप भाइयों के साथ। वहां की भाई खूबसूरती के मुतल्लिक, यानी कि मस्जिद है जी वो कितने साल पुरानी है, उसकी खूबसूरती वगैरह क्या है, वो यहां पर आपको दिखाता हूं। यहां पर कुछ पिक्चर या कुछ वीडियोज मैं दिखा रखा हूं आपको जो मैंने भाई अपने कैमरे से वहां से रिकॉर्ड की है। अलवज शहर बिल्कुल समुद्र के ऊपर है, साथ में बिल्कुल समुद्र का साहले, आपको साहले समुद्र मिलेगा। वहां पर अवाम का रश भी काफी रहता है, काफी खूबसूरत शहर है, बल्दिया भी काफी सख्त है, वहां पर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है और मछली आम अवेलेबल है। यहां पर आपको मैं कुछ पिक्चर भी दिखा रहा हूं जो मैंने अपनी ली थी। मछली वहां पर आपको आम मिलेगी, यानी कि सस्ते में मिल जाएगी, 15-20 रियल किलो में मिल जाएगी और अच्छे वाली बिल्कुल ताजा और फ्रेश मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं इस मस्जिद के ऊपर, इसके मतलब यहां पर मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। ये अलवज शहर में एक मस्जिद है जी, ये आज से 200 साल पुरानी मस्जिद है, काफी यानी कि 200 साल पुरानी मस्जिद है और बिल्कुल अभी भी अच्छी हालत में है। यहां पर अभी भी नमाजी नमाज अदा करते हैं। और अगर इस मस्जिद के साथ की बात करें तो आपको वहां पर भाई पुराने घर भी दिखाई देंगे, जो मेरे भाई अलवज का विजिट कर चुके हैं या अलवज में रहते हैं वो तो जानते होंगे जी। लेकिन अभी उन घरों में भाई अवाम तो नहीं रहती है, लेकिन अभी भी वो घर बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। काफी पुराना, काफी गदीम शहर है और रेड सी जो प्रोजेक्ट मुतारफ करवाया गया है सऊदी अरब की तरफ से अलवज शहर से, अगर भाई हम खड़े होकर साहले समुद्र से देखें तो आपको आगे समुद्र के अंदर एक जजीरा दिखाई देता है, उसके ऊपर भी काफी काम जारी है इस रेड सी मंसूबे को लेकर। तो अलवज शहर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अगर आप भाई वहां का विजिट करें तो जरूर, गुजर हो तो वहां का जरूर विजिट कीजिएगा। और जो भाई वहां पर मौजूद हैं वो तो इसकी खूबसूरती के बारे में जानते ही हैं।